प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत का प्रभुत्व विदेशों में कई मौकों पर देखने को मिला है और ये सब देखने के बाद पीएम मोदी की विश्व की राजनीति में बढ़ते प्रभाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। विश्व समुदाय में प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपनी छाप छोड़ी है वो भारत को और मजबूत किया है और मोदी विरोधियों की बोलती बंद की है। आपको याद होगा साल 2022 में G7 समूह और दूसरे नेता जब तस्वीर के लिए एकजुट हुए थे तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अलग से प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए और प्रधानमंत्री मोदी अपनी जगह पर खड़े थे और कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो से बात कर रहे थे, तभी पीछे से बाइडेन आए थे। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वही एक बार फिर से पीएम मोदी और जो बाइडेन को लेकर चर्चा है। आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने गए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने जापानी शहर हिरोशिमा में विश्व के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इसी दौरान पीएम मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज भी शामिल हुए। इसी दौरान बाइडेन एक बार फिर से पीएम मोदी के पास आए और गर्मजोशी से मिलते हुए दिखे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कह दिया कि अमेरिका में आपकी बहुत लोकप्रियता है, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी भी मुस्कुराते हुए नजर आए। चलिए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं कि जो बाइडेन ने पीएम मोदी से क्या कहा। दरअसल जब पीएम मोदी, बाइडेन और अल्बानीज एक साथ थे तो इसी दौरान जो बाइडेन पीएम मोदी के पास आए और कहने लगे, आपके कदम बता रहे हैं कि लोकतंत्र मायने रखता है, आप मेरे लिए एक समस्या पैदा कर रहे हैं। अगले महीने हमने आपके लिए वाशिंगटन में डिनर का आयोजन किया है, पूरे देश से हर कोई आना चाहता है, मेरे पास टिकट खत्म हो गए हैं। आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मेरी टीम से पूछ लीजिए, मुझे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था, फिल्म अभिनेता से लेकर रिश्तेदार तक सभी आप बहुत लोकप्रिय हैं। वहीं लोकप्रियता की बात सुनते ही ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बानीज भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, सिडनी में होने वाले पीएम मोदी के स्वागत कार्यक्रम स्थल की क्षमता 20,000 लोगों की है और वो भी कम पड़ रही है और लोगों की लगातार रिक्वेस्ट आ रही है जिसे पूरा कर पाना नामुमकिन जैसा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का वह दौर याद किया जब 90,000 से भी ज्यादा लोगों ने स्वागत किया था। अभी ये सब बात चल ही रही थी कि पीएम मोदी की लोकप्रियता की बात सुनकर जो बाइडेन खुद को रोक नहीं पाए और ऑटोग्राफ की मांग कर दी। बाइडेन ने कहा, मैं आपका ऑटोग्राफ ले लूं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत क्या है और वे भारत के अलावा विदेशों में किस कदर लोकप्रिय हैं। पीएम मोदी को ऐसे ही भविष्य का विश्व नेता नहीं कहा जा रहा है। आप प्रधानमंत्री मोदी की इस लोकप्रियता पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।